और अपडेट करेंगे आपको, लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज में मुसाफिरों के गैर मामूली रश के बायस रुकने से निसमली शर्मिला फारूकी परेशान हो गई। ट्विटर पैगाम में शर्मिला फारूकी ने कहा है कि परवाज मुसाफिरों से खचाखच भरी है, एक भी सीट खाली नहीं। मास्क लगाए सीट पर बैठी शर्मिला फारूकी ने मुसाफिरों से भरी परवाज की तस्वीर शेयर कर दी। ट्वीट में शर्मिला फारूकी का कहना था कि लाहौर से कराची का एक तरफा किराया भी 23,000 लिया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस सूरत हाल के हवाले से। जी रुकने से शर्मिला फारूकी जो है वो लाहौर से कराची ईद पे जो उन्होंने सफर किया उससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था और यहाँ ट्वीट में उन्होंने बताया कराची से जो उनकी परवाज थी, कराची जो आ रही थी एयर ब्लू की परवाज, उसमें शर्मिला फारूकी परेशान हो गई जबकि वो परवाज मुसाफिर खचाखच भरी भी थी। वो ट्वीट किया है उन्होंने और कहा है कि एक भी सीट खाली नहीं है। ये उन्होंने ट्वीट में शर्मिला फारूकी ने कहा है कि लाहौर से कराची का एक तरफा किराया भी 23,000 रुपए होने पर सूबाई असेंबली के रुकन जो है सीपा हो गई। उन्होंने कहा है कि मास्क लगाए सीट पर बैठी जो है शर्मिला फारूकी ने मुसाफिरों से भरी प्रवासी तस्वीर भी शेयर किए ट्वीट पे और कहा है कि कोई ऐसे की अमल दरामद नहीं हो रहा है, शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है, हुकूमत इसका नोटिस दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया।